तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी लाया हूं आपके लिए। दोस्तों हम अक्सर जीवन में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों से हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी लाया हूं आपके लिए, यह कहानी हमें जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। दोस्तों आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों एक बार की बात है, दो दोस्त गांव में रहा करते थे और वो चाहते थे कि वो काशी जाकर ज्ञान अर्जित करें। और वो दोनों घर से निकलते हैं, काशी पहुंचते हैं और वहां साल भर रुकते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। साल भर के बाद जब वो विद्वान बन जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब हमने ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब वो दोनों विद्वान जो थे अब एक दूसरे से ये बताना चाहते थे कि मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, वो बोलता था कि मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। लेकिन दोस्ती यारी थी और जो जैसा भी चल रहा था सब कुछ हंसमुख स्वभाव के दोनों थे। और वो वहाँ से जब अपने गांव की ओर सोचा उन्होंने कि अब गांव चला जाए, वो गांव की ओर निकले। और जैसा कि बहुत समय पहले की बात है, उस समय यातायात के इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। वो दोनों वहाँ से जैसे ही निकले, दिन में चलते रात्रि में विश्राम करते। और एक बार की बात है, चलते चलते जैसे ही शाम हुई एक धनी व्यक्ति का घर दिखाई दिया, सेठ का घर था। और वो दोनों वहाँ पास पहुँचे और बोले कि सेठ मुझे विश्राम करना है आज की रात्रि और हम दोनों कल यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे अपने गांव के लिए। वह सेठ बहुत ही अच्छा था और वह उन दोनों को बोला बिल्कुल आप आइए और रुकिए। और उसने बहुत ही अच्छी खासी तैयारियाँ की, उनका स्वागत किया। और जब उस सेठ ने सोचा कि इनके भोजन की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था करने के पहले वो दोनों से अलग अलग मिला। और पहले से जब मिला तो उसने बहुत सारी बातें दूसरे के बारे में बोली कि मैं उससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, अरे वो तो बैल है। और जब सेठ ने दूसरे विद्वान से मिला तो वो बोला कि अरे मैं उससे ज़्यादा विद्वान हूँ और हम दोनों एक ही गांव के हैं, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल गधा है। और यह बात उस सेठ को कुछ पसंद नहीं आई, रास नहीं आई, बड़ी नाराज़गी हुई, बड़ा दिल उसका दुखी हुआ सेठ का। और वह चला गया उन दोनों की भोजन की व्यवस्था करने। और जैसे ही खाने के लिए उन दोनों विद्वानों को बुलाया गया और वो दोनों विद्वान जब खाने के कक्ष में आए तो उनके सामने थाली में एक को चारा परोसा गया और एक को भूसा। यह देखकर वो दोनों विद्वान बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उस सेठ को उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हम दोनों का अपमान कर रहे हो, तुमने माँ सरस्वती का अपमान किया है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उस सेठ ने बड़े ही सरल स्वभाव और सरल शब्दों में उसने कहा कि हे महानुभावों, आपने ही तो एक दूसरे को बोला था कि ये गधा है और ये बैल है, इसलिए मैं गधा के लिए और बैल के लिए चारा और भूसे का इंतजाम मैंने कर दिया है। इतना सुनते ही उन दोनों विद्वानों की आंखें खुल गईं। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। उन दोनों विद्वानों ने तब ठाना कि हमें कहीं भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, कितने भी विद्वान क्यों ना हो जाएं, अगर हम सामने वाले का सम्मान नहीं करते हैं तो हम अज्ञानी ही कहलाएंगे। दोस्तों हमेशा आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, आप कितने भी ऊंचे पायदान में पहुंच जाएं, आप कितने भी संपन्न हो जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, हमेशा दूसरों का सम्मान करना सीखें। कभी भी दूसरों की बुराई ना करें, दूसरों का अपमान ना करें। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और औरों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।